जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मेरे बच्चों, इस दुनिया में पैसा किसे अच्छा नहीं लगता है। हर किसी की चाहत होती है कि वो अमीर बन जाए, वो भी जल्दी से। किस तरह से अमीर बना जाए, इसके बारे में लोग सवाल करते रहते हैं। ऐसे सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। नंबर एक, विश्वास करें कि आप दौलतमंद हैं। पहला रहस्य यह है कि आपको खुद यह विश्वास करना होगा कि आप दौलतमंद हैं। दूसरा रहस्य है कि आपको दूसरों को धन्यवाद देने की आदत डालनी होगी। तीसरा रहस्य है कि जो भी मांगना हो ईश्वर से मांगे। चौथा रहस्य है कि आपको वास्तु के नियमों को मानना होगा। पांचवां, जो सबसे मुख्य है, वह यह कि रात को नोट गिनकर ही सोएं। नंबर दो, मन की कमजोरी को करें दूर। अगर कोई मन से दुर्बल है तो वह कभी अमीर नहीं बन सकता है। ऐसे लोग पृथ्वी को भोग नहीं सकते और इस वजह से उसको धन प्राप्ति नहीं हो सकती है। दौलतमंद बनना है तो मन को दुर्बल नहीं बनने देना चाहिए। इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं और इंसान दौलतमंद बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाता है। नंबर तीन, दान करना चाहिए। एक दानवीर इंसान के धनवान बनने की संभावना काफी होती है। आपको धनवान बनने के लिए नियमित रूप से दान करना चाहिए। जो व्यक्ति दानी या उदार नहीं होता है, उसे धन संपत्ति नहीं मिलती है। नंबर चार, कभी नहीं करें घमंड, रहें कोसों दूर। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको घमंड से कोसों दूर होना पड़ेगा। याद रखें कि जो आलसी लोग हमेशा कुछ अच्छा होने के इंतजार में ही बैठे रहते हैं, लक्ष्मी उनसे उतनी ही दूर होती जाती है। नंबर पांच, हमेशा ना करें मनमानी। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं और खर्च को लेकर आप मनमानी करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। धन खर्च के मामले में मनमानी मत करें, इसको संचित रखें ताकि आपके धनवान बनने की उम्मीदों को पर लगे। निजी संपत्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर छह, मालामाल बनने के लिए करें ये टोटका। यदि आप मालामाल बनना चाहते हैं तो काली मिर्च के पांच दाने लें और उन्हें अपने सिर पर से सात बार फिरा लें। इसके बाद किसी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में चार दाने फेंक दें। इसके बाद पांचवें दाने को ऊपर आसमान की ओर फेंक दें। इसके बाद चौराहे से पुनः लौटते वक्त पीछे पलट कर न देखें। नंबर सात, हर शुक्रवार लाल या सफेद वस्त्र धारण करें। हाथ में चांदी की अंगूठी या छल्ला धारण कर उसी समय चावल और शक्कर का किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। जब भी कोई रत्न पूजन करके धारण करें, उसी समय उस रत्न से संबंधित सामग्री का दान करना चाहिए। नंबर आठ, अमीर बनने के लिए करें ये टोटका। मिट्टी व धनिया को हल्के हाथ से मिक्स कर दें और फिर थोड़ा सा पानी डाल दें। ऐसा करने के बाद बर्तन को उत्तर दिशा में रख दें और हर रोज थोड़ा सा पानी दें। जब धनिया निकल आए तो उसे उपयोग में लें और सिक्कों को लाल कपड़े में बांधकर घर या कार्यालय में लटका दें। धन आगमन का यह टोटका आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। नंबर नौ, दौलतमंद बनने का सपना पूरा करने का तरीका। यदि आप भी दौलतमंद बनने का सपना देखते हैं तो ज्योतिष के कुछ खास उपाय आपके काम आ सकते हैं। ज्योतिष के मुताबिक आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए श्री यंत्र की पूजा बेहद खास है। इसकी पूजा के लिए पूजा स्थल पर लाल रंग का कपड़े के ऊपर श्री यंत्र रखें, फिर इस पर गंगाजल और दूध छिड़कें। और बेटा, अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके बताओ और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी लिखकर इस वीडियो को लाइक कर दो। और इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो।